जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल एन जियोग्राफी UGC नेट GRF में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एक जो कि UGC नेट GRF में फर्स्ट पेपर और कोर जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो इसलिए हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के जो दोनों सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का जो जियोग्राफी इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है और जो जियोग्राफी का है, उसको दोनों को हमने क्या किया है कि दोनों सिलेबस को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ये लंबा हो रहा है और बस जो है कल तक हम इसको समाप्त कर लेंगे। आज हम लोग जो है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में एक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व से अब थोड़ा सा जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो फर्स्ट पेपर में है वो थोड़ा सा डीप पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है और इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया यानी भारत में जलमंडल क्षेत्र, जलमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है ये यूनेस्को से आया था। ठीक है, जो यूनेस्को ने क्या दिया था, बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका कंसेप्ट दिया था, और उसी के बेस पे जो अलग अलग देश हैं उन्होंने अपने यहाँ क्या किया है, बायोस्फीयर को स्थापित किया है। ठीक है, क्योंकि ये जो बायोस्फीयर होते हैं, बायोस्फीयर का जो कंसेप्ट आया यूनेस्को के द्वारा, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो कोई रीजन है, ठीक है, उस रीजन में जो ह्यूमन है, ह्यूमन अपने एक्टिविटी के द्वारा क्या करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रभावित कर रहा है, और इन्वायरमेंट भी ह्यूमन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे होने चाहिए, इसी को लेकर क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट आया था। ठीक है, कि किसी भी एरिया में मानव अगर रह रहा है तो मानव का वनस्पतियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, यानी जो नेचुरल एनवायरमेंट है, नेचर है, उसके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, एक सस्टेनेबल संबंध होना चाहिए, एक सतत संबंध होना चाहिए, ताकि हम बिना एनवायरमेंट को हानि पहुंचाए हुए अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते रहें, और भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, ठीक है, बिना एनवायरमेंट को हानि पहुंचाए या एक हेल्दी एनवायरमेंट हम अपने जो है आने वाली पीढ़ी है उसको हम दे पाए। इसी के कंसेप्ट बायोस्फीयर का रिजर्व का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो टिका हुआ है इसी के कंसेप्ट पे, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल, ये क्या हो सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकते हैं, यानी एक स्थलीय क्षेत्र हो सकते हैं, या एक तटीय क्षेत्र हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, मरीन इकोसिस्टम हो सकते हैं, यानी कोई जलीय क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, या इट्स क्या हो सकता है, अमलग्रेमेशन हो सकता है, यानी इन सबका क्या हो सकता है, मिश्रण हो सकता है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका जैव मंडल क्षेत्र वो क्या हो सकता है, वो एक टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकता है। टेरेस्ट्रियल एरिया कहने का मतलब है एक स्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है, उसको भी बायोस्फीयर बोला जा सकता है। वो एक तटीय क्षेत्र हो सकता है, क्षेत्र है, वो एक जलीय क्षेत्र हो सकता है, या इन सबका क्या हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, अमलगेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ये सभी प्रकार के हो सकते हैं, स्थलीय, जलीय, तटीय, ये सभी का क्या हो सकता है, एक मिश्रण हो सकता है। ठीक है, जो ये बायोस्फीयर का कंसेप्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 1971 बाई यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया था कि 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है, जो कंसेप्ट है, उसको क्या किया था, लॉन्च किया था, और उसमें वही बातें उन्होंने बताई थी जो कि अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया है इसमें। ठीक है, 1971 में जब इन्होंने लॉन्च किया, उसके क्या किया, दो साल बाद एक नया प्रोग्राम लाया जिसका नाम था मैन एंड जो है बायोस्फीयर। ठीक है, क्या नाम था इसका, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये शुरू किया गया 1973 में, जिसमें पूर्णतः यही काम किया गया, मानव को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया गया कि मानव पूर्णतया क्या है, पूर्णतया नहीं कह सकते, लेकिन मानव जो है प्रभावित होता है नेचर से, और नेचर मानव को प्रभावित करती है, इसलिए दोनों के अंतर संबंध बहुत ही मधुर होने चाहिए, दोनों के अंतर संबंधों में कटुवाहट जो है कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बिटरनेस नहीं होनी चाहिए, और दोनों के जब संबंध अच्छे रहेंगे तो एक हेल्दी इकोसिस्टम का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा, और जिसके कारण हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है देखने को मिलेगा, और उसी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में हम जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं कि जो है निवास कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया, 1973 में शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। अब आइए देखते हैं कि जो बायोस्फीयर है इसका कार्य क्या होता है, ये इसका जो है इम्पोर्टेंसी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है,
बेसिकली जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है, तो इसके तीन प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कंजर्वेशन का कार्य होता है, यानी ये क्या कार्य करता है, कहीं पर भी अगर बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा तो क्यों बनाया जाएगा, पहला काम ये करता है कंजर्वेशन का, संरक्षण का। किसका कंजर्वेशन? टू ठीक है, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, यानी ये जेनेटिक रिसोर्सेस का क्या करता है, कंजर्वेशन करता है। जेनेटिक रिसोर्सेस का मतलब हो गया आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक संसाधन। जैसे कि अगर कोई जो है क्या है कि कोई सीड है, ठीक है, मान लीजिए कपास ले लीजिए, तो कपास में क्या किया गया, कुछ जेनेटिकली चेंज कर दिया गया। या कोई एनिमल है, तो एनिमल में क्या है कि मान लीजिए जैसे क्या हो रहा है कि अब जेनेटिक्स में काफी चेंज लाके हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को स्ट्रांग बना रहे हैं। जैसे कोई जीव है, तो वो जीव क्या है कि उस स्पीसीज वो बहुत ही उसको कोई विशेष प्रकार की बीमारी उसको अफेक्ट कर रही है, तो होता क्या है कि उसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि उस बीमारी से आने वाली जो प्रजातियां हैं, उसी की प्रजातियां हैं, नस्लें हैं, ठीक है, वो अफेक्ट ना हो पाए। तो इस तरह के जो जेनेटिक्स रिसोर्सेस होते हैं उसको इस जो है बायोस्फीयर के द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, स्पीसीज यानी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम को, चाहे वो मरीन इकोसिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोस्टल इकोसिस्टम हो, जैसे कहीं पर हो सकता है कि घास पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता हो, कहीं हो सकता है कि समुद्र पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता हो, कहीं हो सकता है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता हो, तो सभी पारिस्थितिक तंत्र का अपना एक महत्व होता है। जीवमंडल बनाने का काम प्रमुख रूप से क्या है, पहला है ये इन सब चीज का क्या करता है, कंजर्वेशन करता है, संरक्षण प्रदान करता है। अगर कहीं पर जो है बायोस्फीयर है तो इन सब सभी चीजों का क्या करेगा, कंजर्वेशन करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये डेवलपमेंट का कार्य करता है, विकास का कार्य करता है। कैसा विकास? टू प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वही वाली बात है कि इसका जो दूसरा कंसेप्ट है, जो दूसरा कार्य है, वो डेवलपमेंट का है, और कैसा, ह्यूमन और जो है जो नेचर है आपका, उसके बीच में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्स का, जो भी रिसोर्स आपके जो है, मान लीजिए कोई वन है, वन भी एक तरह का आपका रिसोर्स है, उसका आप अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, अवैज्ञानिक तरीके से उसकी कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट का कार्य करता है। तीसरा, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब ये क्या करता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंतर्गत ऐसे सहयोग आते हैं जिससे क्या हो रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक नेटवर्क तैयार करता है, रिसर्च का नेटवर्क तैयार करता है, जिससे कोई चीज हुआ, ठीक है, कि किसी भी एरिया में कोई सुधार लाना है तो ये उस पर क्या करता है, अगर बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है वहां पर, तो ये उस एरिया में जो सुधार लाना है उस पर क्या करता है, शोध करता है, इनोवेशन करता है। इनोवेशन के माध्यम से एक दूसरे देश में टेक्नोलॉजी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और उससे एक दूसरे देशों के सहयोग के कारण उस एनवायरनमेंट को हम क्या कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने देखा कि इंडिया में जो चीते थे, ठीक है, चीतों की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही थी, इसलिए हमें अभी हम लोगों ने क्या किया कि नामीबिया से कुछ चीतों को लेकर आया, कहां, कुर्नू नेशनल पार्क में, कुछ जो है मेल जो है चीते थे, कुछ फीमेल थे, यानी नर और मादा दोनों को लाया। अब वो रिप्रोडक्शन का कार्य, संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि एक तरह से क्या हुआ है कि रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहां से चीतों को लाकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा भी जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के आती है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रिसर्च एंड एनालिसिस द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल, यानी सतत विकास के लिए संरक्षण की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना है, ठीक है, जो रिसर्च की भावना है, उसी को प्रमोट करने को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, नामीबिया से हम लोगों ने क्या मंगाया है, चीता को मंगाया है, ठीक है, चीता आया, ठीक। तो इसके ये हो गया पूरा आपके बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बायोस्फीयर के बारे में और हम लोग चर्चा करते हैं। अगला है बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हम पढ़ेंगे जो बायोस्फीयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी जो आपका जीवमंडल कहीं पर बना हुआ है, ठीक है, किसी एरिया को जो हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी लेयरिंग कैसे होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें मुख्य रूप से तीन जोन होते हैं। क्या होते हैं? तीन जोन होते हैं। पहले को बोला जाता है
कोर एरिया, ठीक है। ये जो सबसे मध्य में होगा इसके, इसको बोला जाता है कोर एरिया, ठीक है। कोर एरिया में क्या होता है, कोर एरिया में थोड़ा सा ये सेंसिटिव जोन होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां क्या हैं, प्रतिबंधित हैं। कोई भी जो सामान मानव है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि जैसे हंटिंग हो गया, पोइचिंग हो गया, या जो है ग्रेजिंग का कार्य हो गया, किसी भी प्रकार का मानव यहाँ तक पहुंच उसकी क्या है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जोन जो होता है बायोस्फीयर का काफी सेंसिटिव होता है। यहाँ पर ऐसे जीवों को रखा जाता है, ठीक है, जो क्या है कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा हार्मोनी पसंद करते हैं, जैसे जो जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, यानी जो बड़े बड़े जीव हैं, जैसे शेर चीता हो गया, या कोई ऐसी प्रजाति जो विलुप्त के कगार पे, उसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, उसको क्या करना है, कंजर्व करना जरूरी है। तो वो सारी चीजें कहाँ रखी जाती है, इस कोर एरिया में रखी जाती है। यहाँ पर रिसर्च हमेशा होता रहता है, जीन पर हमेशा रिसर्च होता रहता है, जेनेटिक्स जो है स्टडी काफी होती रहती है इस एरिया में जीवों पर, यानी जो जेनेटिक कोड्स होते हैं जीवों को, उसको काफी यहाँ पर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए एरिया काफी क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, इसके जो चारों ओर का एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं बफर जोन। क्या बफर जोन, ये जोन, इस जोन में थोड़ा सा जो है टूरिज्म का कार्य हो सकता है, एजुकेशनल एक्टिविटी, जैसे आप एजुकेशनल लेवल का कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो टूरिज्म का कार्य जो है, इस प्रकार के एजुकेशनल रिसर्च का काम यहाँ होता है, जो क्या करे कि यहाँ के जीव जंतुओं को नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। अब टूरिज्म की नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के हारमोनी को यानी शांति को क्या करेगा, डिसबैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या करता है, ये एरिया जो ये कोर एरिया है, इस कोर एरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे आपका हार्ट हो, अपने शरीर में देखें तो आपकी जो वाह लेयर है, यानी जो आपकी स्किन है, ये हार्ट की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है, क्योंकि ये स्किन चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है, और हार्ट आपका क्या हो गया, कोर एरिया हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये होता है कि ये जो दूसरा जोन होता है, इसमें थोड़ा सा मानव जो है इंटरफेरेंस होता है, और इस जोन में क्या होता है कि जो है ये कोर एरिया की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। तीसरा जो जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, ये सबसे आउटर जोन होता है। इसमें देख रहे हैं कहीं कहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट भी पाए जाएंगे, एग्रीकल्चर जो है लैंड आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत कहीं पर मार्केट भी देखने को मिलेंगे, छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ग्रेजिंग वगैरह का कार्य यहाँ पर जो है बहुत आसानी से होता रहता है, ये सबसे क्या होता है, आउटर जोन होता है। तो ये तीन जोन आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोर जोन में इंटरफेरेंस होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। कोर के बाद क्या होता है, कोर के बाद बफर जोन, बफर जोन के बाद क्या होता है, आपका सबसे बाहरी ट्रांजिशन जोन। इस तीन जोन को याद रखना है, और जो आपका ट्रांजिशन जोन है उसमें ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है, कुछ मानव के अधिवास पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर होता है, मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये सबसे क्या होता है, आपका आउटर जोन होता है। मार्केट इन द सेंस की छोटी मोटी दुकानें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में कि आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो UGC है या फर्स्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में दो तरीके हो सकते हैं, एक नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, और एक क्या है कि 1973 में जो यूनेस्को ने प्रोग्राम चलाया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो उस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे रिजर्व, ऐसे बायोस्फीयर आते हैं जो यूनेस्को के कुछ क्या हैं, मानदंड हैं, उस मानदंड पे खड़े उतरेंगे तो यूनेस्को उसको ऑटोमेटिक क्या घोषित कर देता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व उसको घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में देखा जाए तो टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, कितना है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इस 18 में से केवल 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को के जो 1973 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था उसके अंतर्गत शामिल है। यानी 18 में से 12 क्या हैं, ये 18 की लिस्ट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ा सा कम हो। 18 में से ये 12 ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या है, ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत क्या है आते हैं, और 18 में 6 ऐसे हैं जो केवल नॉर्मल क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। भारत में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो 1986 में ये प्रोग्राम चलाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो इसी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत भारत में जो पहला रिजर्व जो है बायोस्फीयर जो है स्थापित किया गया वो कौन सा था, वो नीलगिरी था। क्या था,
नीलगिरी था उसी को पहला भारत का क्या है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे जिसे किसके तहत जो है स्थापित किया गया था, इसी 86 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट में कि इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 12 क्या हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा, जो 6 नहीं है उसको आप लोग याद रखिए, 18 का नाम याद रखिए, कौन कौन है उसको ना याद रखिए, कौन नहीं है उसको याद रखिए, 6 ही याद करने पड़ेंगे आपको। कि बस जो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा है, तो जो 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 नहीं है उसको अगर आपको याद है तो उसको इलिमिनेशन करने के इलिमिनेट करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं कि जो आपके यहाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो किस राज्य में कहाँ है, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। आप लोग जैसे हम बोलते जाते हैं आप लोग उसका जो है स्टेट वाइज लिस्टिंग करते जाए, तो पहला हो गया नंदा देवी, कहाँ पर है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में है। ठीक है, दूसरा क्या है, नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे है, नोकरेक आपका है मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय में। तीसरा है मानस। मानस कहाँ पर है, असम में। चौथा है डिब्रू सुखैया कहाँ पर है, डिब्रू सुखैया आपका भी कहाँ है, असम में है। ठीक है, कहाँ पर है, असम में। पांचवा है दिहांग। ठीक है, दिहांग भी आपका कहाँ पर है, ये जो दिबांग जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग और दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। छठा नंबर है आपका सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सातवां है गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ठीक है, आठवां है आपका नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है, ये तमिलनाडु कर्नाटक और केरल बॉर्डर पे है। ठीक है, नीलगिरी वैसे अगर देखा जाए एक स्टेट की बात किया जाए, ठीक है, तो ये इसी तीनों के बॉर्डर पे है, ये किसी एक स्टेट में नहीं अवस्थित है। अगर वैसे अवस्थित अगर आता है एग्जाम में तो तमिलनाडु को प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, नौ नंबर क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। उसके बाद दसवां है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, ग्यारह नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। बारह नंबर पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पर है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। तेरह नंबर अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई कहाँ पर, केरल में है। ये कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौदह नंबर अचानक मार कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे 18 सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको सभी का नाम याद रखना है। ठीक है, पंद्रह नंबर क्या है, पंद्रह नंबर है आपका कच्छ। कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। सोलह नंबर क्या है, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एजुसी में पूछा गया है कि कोल्ड डिजर्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। सत्रह नंबर है शेषाचलम। शेषाचलम कहाँ पर है, शेषाचलम जो है, ठीक है, शेषाचलम आपका कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है आपका शेषाचलम। उसके बाद अठारह है आपका पन्ना। पन्ना कहाँ पर है, एमपी में। ये 18 बायोस्फीयर की लिस्ट आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। ठीक है, अब 18 में आइए देखते हैं कौन कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व किसमें शामिल है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, तीसरा सुंदरबन, चौथा नंदा देवी उत्तराखंड, पांचवा नोकरेक मेघालय, छह नंबर चमढ़ी मध्य प्रदेश, सात नंबर सिमलीपाल उड़ीसा, आठ नंबर अचानकमार छत्तीसगढ़, नौ नंबर ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, दस नंबर अगस्ता मलाई केरल में, ग्यारह नंबर कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में, और 12 नंबर पन्ना एमपी में। अब आपको क्या करना है, इसमें से 6 कौन से ऐसे हैं जो नहीं है, केवल नहीं का नाम याद रखेंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सा है, आपको ज्यादा ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और 6 कौन सा दोनों में मिला लीजिए, कौन सा नहीं है आपका काम है, किसी से जो है इसको माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, आपका आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। और यहाँ से फर्स्ट पेपर में भी और जो है कोर जियोग्राफी में दोनों भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोर जियोग्राफी वालों को अच्छे तैयार करना है, मैन एंड बायोस्फीयर क्या होता है,
किसने इसकी शुरुआत की, ठीक है, भारत में कौन सा कहाँ पर है, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, वन लाइनर में कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये भी बात आप लिखकर रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कौन सा वाइस मैन एंड वाइस मैन शामिल है, कौन सा नहीं है, इसलिए आप 18 याद कर लीजिए, 18 में से देखिए कौन सा, क्योंकि 12 ऑलरेडी शामिल है तो जो 6 नहीं शामिल है उसी का नाम याद कर लीजिए, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बहुत ही अच्छे और जो है बहुत ही लूसिड जो है वीडियो के साथ, जिसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा हम देने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।